गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेट थ्योरी क्या होती है, उसकी रोस्टर फॉर्म क्या होती है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कैसे हम सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो आज की क्लास में इसमें डिस्कस करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, कहानी पूरी सेट है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नल सेट और ऑल्सो नोन एज वाइड सेट और ऑल्सो नोन एज एम्प्टी सेट। तो व्हाट इज नल सेट? दैट अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और अ सेट इज सेट टू बी नल और अ सेट इज सेट टू बी वाइड इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड If it has no element, that means याद रखना कि आपका null set हो या void set हो या empty set हो, इसके अंदर आपका कोई भी element नहीं होगा और इसको हम represent करते हैं five। इसको हम represent करते हैं five। तो example बात करता हूँ। Suppose example a equals to x such that x belongs to natural number and x less than one means आपका x क्या है नेचुरल नंबर है और x के अंदर 1 से क्या है कम। दैट मीन्स आप जानते हो कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसकी वैल्यू 1 से क्या होगी कम होगी। तो मीन्स a इक्वल टू 5। दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। यू नो वेरी वेल किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होगा, दैट इज आंसर विल बी 5। मींस अ सेट इज सेट टू बी नल सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। बात क्लियर? अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा दूसरा टाइप का सेट है, दैट वन इज नोन एज सिंगल टोन सेट। जब बात करते हैं सिंगल सिंगल टोन इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, मीन्स अगर किसी सेट के पास खाली एक एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है, देन इट इज नोन एज सिंगल टोन एलिमेंट। सपोज बात करता हूं, तुमने ये लिखा है a इक्वल्स टू 3 ओनली वन एलिमेंट, देन b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहां पे सॉल्व करोगे x स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट x belongs to natural number, therefore x equal to 2 means b is equal to only 2। means अगर इस सेट के पास केवल एक एलिमेंट है तो क्या आपका सिंगल टोन सेट है? कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या था आपका नेक्स्ट आपका आता है फाइनाइट सेट। जो आपका थर्ड वन है वो आपका है फाइनाइट सेट। A set is said to be finite if it has fixed element, if it has fixed element or if it is a void element, void set. Means अगर कोई set आपका finite है तो क्या होगा? वो fixed होगा। उसके पास कितने उसके terms हैं, कितने उसमें elements हैं, कितने उसमें numbers हैं, वो मुझे पता होंगे या उसके अंदर कोई भी element नहीं होगा। Means जिसको मैं easily count कर सकता हूँ, जिसको मैं calculate कर सकता हूँ, that type of set are known as finite set। सपोज मैं बात करता हूं इस एग्जाम्पल की फॉर्म में, जैसे मैंने ये दिया है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 4। दैट मींस मैं सिंपल कह रहा हूं कि a इक्वल टू 1, 2, 3, 4। मींस जिसको मैं इजिली कर लूंगा, काउंट कर लूंगा। अब जैसे मैंने ये कहा है b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x mod of x less than equal to 4, mean mod of x की क्या होगी? less than equal to 4 होगी। अगर मुझे पता है, मैंने अगर गलती से ये लिख दिया mod of 5 कितना आएगा? 5 आएगा। mean क्या होगा? ये 4 से ज्यादा हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर मुझे ये कंडीशन पानी है तो मीन मैं x के ऐसे एलिमेंट लूंगा इन टर्म्स ऑफ इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मीन जो मेरा आएगा b इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
एंड लास्ट फूड मीन जिसको मैं इजी कर रहा हूँ काउंट कर ले रहा हूँ जिसको मैं इजी कर रहा हूँ डिफाइन कर ले रहा हूँ उस टाइप के सेट क्यों होगा आपका फाइनाइट सेट उसका नेक्स्ट आता है वो आपका आता है इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होगा सेट डिफाइन भी होगा बट वो उसको काउंट नहीं कर सकता जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एग्जाम्पल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मुझे पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं नंबर दैट आर Started from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 up to infinite. But infinite का gender नहीं मुझे पता है नहीं आपको पता है कि वो male है या female है या वो transgender है means जो define नहीं होगा means जिसको मैं define नहीं कर सकता अपने words में वो मेरा कहाँ पर आएगा वो मेरा आएगा आपका infinite set means और set of infinite Set of all natural numbers, set of all integer, set of all real number, ठीक है? Means दूसरा एग्जांपल ले लो, x such that a is equal to x belongs to real number, x less than 2 and more than equal to 1. This one also a infinite set because मुझे नहीं पता है 1 से लेकर के 2 के बीच में कितने real number आएंगे 0.00.10002 रियल नंबर लाइक बिटवीन 1 एंड 2 ना मीन जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ जिसको मैं अपनी कैलकुलेशन में अपनी बुक में नहीं सकता वो मेरा क्या आएगा इनफाइनाइट सेट में आएगा बात समझ रहे हैं आप तो इसके बाद इनफाइनाइट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था जो हमारा नेक्स्ट सेट आया था वो हमारा क्या आया था इक्वल सेट इक्वल सेट में क्या होगा फिफ्थ वन इक्वल सेट टू सेट टू और मोर देन टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट If they have same element, means दो सेट आपका इक्वल सेट है अगर दोनों क्या है आपके एलिमेंट क्या है सेम है एग्जाम्पल की बात करो सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 3, 2, 4, 1 बोथ आर इक्वल सेट वन यहाँ भी है वन यहाँ भी है टू यहाँ भी है यहाँ भी है थ्री यहाँ भी है थ्री यहाँ भी है फोर यहाँ है तो फोर यहाँ है मीन सेट ए इक्वल टू Set of B. Set A equals to set of B are known as equal set. इसके बाद क्या आता है आपका इसी का भाई है जो आपका next one है sixth one वो आपका क्या है equivalent set. Two set A and B are said to be equal. Equivalent set कितने हैं same number of elements means यहां बात करता हूं इस सेट के अंदर सेट ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है 4 सेट बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है 4 मींस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बोथ आर इक्वल देन दे आर नोन एज आपका इक्विवेलेंस सेट अब यहां पर ये बात सेम नहीं है ये बात जरूरी नहीं है दोनों में क्या नंबर सेम हो एलिमेंट सेम हो बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए सेम हो चाहिए बात करता हूं ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and b is equals to 3, 5, 7, 2 means these both are equivalent set because total number of elements in a set A kitna aata 4 and total number of elements in set B also equals to 4 means total number of elements in set A and total number of elements in set B both are equal therefore they are known as equivalent set इसके बाद इतनी बात क्लियर तो बैठे इतनी बात क्लियर करने के बाद दैट मीन यहां से आपका 1.2 आराम से अच्छे से इजिली कंप्लीट होगा इसके बाद जहां हम मूव करेंगे वो हमारा क्या है आपका आता है इंटरवल ऑफ रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ लेना इसको अच्छे से आपके डाउट है तो बता देना मीन मैं टाइम पर बैठू अब सिंपल सी बात है इंटरवल ऑफ रियल नंबर इंटरवल क्या होगा आप नंबर्स को नंबर लाइन पर या ब्रैकेट में
intervals of a real number तो फर्स्ट इंटरवल आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होगा आपका यहां पर क्या होगा इसमें आपके बाउंड्री वाले एलिमेंट्स भी काउंट होंगे। मींस ये कहते हैं कि लेट ए कॉमा बी लेट ए एंड बी आर टू गिवन रियल नंबर सच दैट आपके पास ए और बी दो रियल नंबर गिवन है सच दैट ए less than b then the set of all elements then the set of all numbers lying between this one are known as f belongs to lines between a comma b are known as set of closed intervals where f less than equal to b and more than equals to a। यहां पर क्या होगा पॉजिटिव एलिमेंट भी काउंट होंगे और इसको मैं आपका इस ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। अगर इसमें ये दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट एक्स बिलोंग्स माइनस फाइव टू टू इसका मीनिंग क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ये मैं कैसे काउंट करूंगा बात क्लियर है कोई डाउट नहीं है ना। इससे बहुत ये दे रखा है एक्स belongs to natural number such that x belongs 5 to 8 means x is equal to 5, 6, 7, 8 means यहाँ पर जो हमें boundary element होगी वो भी count होंगे आपको किसमें close interval में इसी का भाई है दूसरा क्या है आपका ओपन इंटरवल अगेन टू नंबर ए एंड बी सच दैट सेम स्टोरी दो नंबर हैं ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी ठीक है देयर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ठीक है। तो मीन यहां पर ऊपर बात करें कि ए लेस देन बी तो मीन यहां पर क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इसका मीनिंग क्या है x less than होगा b से एंड more than होगा a के बट x ना ही a के इक्वल होगा और ना ही b के इक्वल होगा। मीन अगर ये दे रखा है x belongs to natural number such that x ओपन इंटरवल 3 to 5 इसका बेसिकली मीनिंग क्या है x equals to 4 जैसे मुझे ये दे रखा है x belongs to natural number कॉमा x belongs to 3 to 10 इसका मीनिंग क्या है x equals to 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओपन इंटरवल में क्या होगा कि आपके जो बाउंड्री वाले एलिमेंट्स हैं वो आपका काउंट नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर है एक बार और क्लियर कर दूं और नंबर लाइन पर ठीक है नंबर लाइन पर जब मैं क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता हूं नंबर लाइन पर तो मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसको इस तरह बदल रखता हूं ये मेरा क्या है इंफिनाइट है ये मेरा माइनस फाइव है यहां पर क्या होगा बॉडी जो होगी पूरी डार्क होगी यहां पर ये मींस ये भाई कह रहा है कि आपके जो एलिमेंट होंगे वो ए के साथ साथ अन्य वाले एलिमेंट भी काउंट होंगे ओपन इंटरवल में क्लोज सॉरी क्लोज इंटरवल में बात करता हूं किसकी ओपन इंटरवल की। तो यहां पर क्या होगा आपका बाउंड्री वाले एलिमेंट्स होंगे वो आपका काउंट नहीं होंगे जैसे आपका ये प्लस इंफिनाइट है ये आपका माइनस राइट है तो वो आपका इस तरह से है ये आपका ए है ये आपका बी है और इसमें क्या होगा जो बीच के एलिमेंट्स होंगे ये वाले केवल यही काउंट होंगे। इतनी बात क्लियर है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इतना करने के बाद जो नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप आता है इंटरवल का और लास्ट वो हमारा क्या है वो हमारा क्या है थर्ड वन सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल।
अब आपको ओपन पता है और क्लोज पता है, तो यहाँ पर जनरली इसको खाली बना दिया गया है, इसका मतलब कुछ नहीं है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज मीन एक साइड क्या होगा ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन क्लोज इंटरवल होगा, एक साइड क्या होगा क्लोज इंटरवल होगा। मीन्स यहाँ पर बात कह सकता हूँ कि आपका एक्स सॉरी लेट टू नंबर्स ए कॉमा बी सच देट ए लेस देन बी देट एक्स बिलोंग्स इट इज ए कॉमा बी। इसका मीनिंग क्या है एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड मोर देन इक्वल टू ए। सेमी ओपन सेमी क्लोज आधा ओपन है आधा क्या है क्लोज है। अगर सिंपल सी बात मैंने यहां लिखा किया ए लिखा था एक्स बिलोंग्स ए कॉमा बी, तो इसका मीनिंग क्या होता एक्स लेस देन बी एंड मोर देन इक्वल टू ए। बस यही है जैसे इसको नंबर पर रिप्रेजेंट करता तो क्या आपका इनफिनाइट, यहां क्या आपका माइनस इनफिनाइट, यहां क्या आपका ओपन इंटरवल और बी पर क्या आपका क्लोज इंटरवल। यहां पर सॉरी बी पर क्या है क्लोज क्लोज के लिए डार्क ओवर, यहां पर क्या ओपन ओपन के लिए ओपन ओवर। अगर यहां बात करता इसके लिए तो ये क्या इनफिनाइट, ये मेरा माइनस इनफिनाइट, यहां मेरा पूरा डार्क ओवर, यहां मेरा ओपन, ये मेरा ए है ये मेरा बी है। ये कह रहा है कि मैं ए को भी काउंट करूंगा, ये कह रहा है कि मैं बी को काउंट करूंगा बट ए को काउंट नहीं करूंगा, ये मेरा कह रहा है कि मैं ए को काउंट करूंगा बट बी को काउंट नहीं करूंगा। जो काउंट नहीं होगा वो आपका ओपन सर्कल में आएगा, जो आपका काउंट होगा वो आपका डार्क और बबल में पूरा आएगा। मीन्स पता लग जाएगा आपको कि सेमी ओपन क्या है और सेमी क्लोज क्या है। इतनी बात क्लियर, तो जो इतनी बात क्लियर हो गई तो मीन्स जैसे ये लिखा है। अब सिंपल एक दो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर रिलेटेड लेकर के आप फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये दे रखा है x belongs to natural number means x belongs ये दे रखा है ये क्लोज इंटरवल 5-10 ओपन इंटरवल मीन्स x इज इक्वल टू 5-6-7-8 नहीं। बात क्लियर है, जैसे मुझे ये दे रखा है एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर सच दैट एक्स 5-9 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 6-7-8-9। बात क्लियर तो कैसे दिखाना सेमी ओपन सेमी क्लोज को, मैंने आपका यहाँ पर ईवी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद में मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका आता है सबसेट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसको डिस्कस करने के बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में पूरा आपका मेन डायग्राम जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे सैटरडे को। और मे बी अगर हुआ तो मैं बीच में आपको वीडियो दे दूंगा जिसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो सबसेट की कहानी है बहुत ही अलग, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इजी है। सबसेट मीन सब पार्ट ऑफ द सेट, वर्ड पे जाओ सबसेट मीन क्या हो गया सब पार्ट ऑफ द सेट सॉरी पार्ट ऑफ द सेट। ये तो वो सब मीन्स क्या हुआ किसी भी चीज का पार्ट, मीन्स पार्ट ऑफ एनी सेट आर नोन एज सबसेट ऑफ अ सेट। तो मीन्स लेट ए एंड बी आर टू सेट इफ एवरी एलिमेंट, अगर आपके पास दे रखा सिंपल सी बात है आपके पास ए एंड बी दो एलिमेंट है वो दैट आई वांट टू बिकम नोन थिंग सेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं सी इज रिप्रेजेंट बट थोड़ा इस टाइप का सी ये है। आपको दे रखा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी दैट मीन्स आपका ए का हर एक एलिमेंट क्या है वो आपका बी में लाइक कर रहा है देन ए इज नोन एज सबसेट ऑफ बी। मीन इसको कैसे कहते हैं ए इज नोन एज सबसेट ऑफ बी सेट और इक्वल टू बी क्या पता चले सेट बी के इक्वल हो सारे एलिमेंट। और यहां पर क्या मैं सिंपल फोकस कर रहा हूं बात पे जोड़ देना ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सुपर सेट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए बोथ आर सेम
A is a subset of B or B is a superset of A. Both are the same. दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है. तो मींस यहाँ पर ना कि A और इसको मैं कहता हूँ कि every element of A contained in B, every element of A contained in B. और यहाँ पर जो मैं टर्म यूज करूंगा अब मैं बता दूंगा आपको बेसिकली इसका जो फाइनल रिजल्ट कहा था आएगा दिस वन इज नोन एज फॉर एवरी. अब यहाँ पे याद रखना मैथमेटिक्स आपकी अच्छे से तैयार हो गई है. हाँ मीन यहाँ पर क्या होगा आपको ड्राइव करने होंगे फॉर्म्स आपको डेरिवेशन करने होंगे इंपॉर्टेंट ठीक है. तो चीजें बहुत क्रिटिकल होंगी बहुत अच्छी होंगी बहुत आराम से समझना है. अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको आराम से क्लियर करते हुए जाना. इसमें मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ नोट आ रहा है इंपॉर्टेंट करना. सबसेट मीन सब पार्ट ऑफ द सेट. एक बात ना एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यस बात सिंपल थी. अगर मैं दे रखा ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10 दैट मीन बताऊ ए इज अ सबसेट और इक्वल टू सेट ए बोथ आर मीनिंग सेम. याद रखना द टोटल ऑफ इपर और बात हो जाए कि आपका सबसेट जो होता है जैसे बात करूं कि मैं ये चीज दे रखा है मैंने आपको ये दे रखा है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4. जब मैं बी के सबसेट बनाऊंगा सबसेट मींस क्या हो गया पावर सेट. सबसेट मींस बेसिकली क्या हो गया पावर सेट. जब बी के सेट बनाऊंगा तो उसमें मेरा ए पेयर 1 2 3 का ही बनना होगा. दैट मींस एवरी और आल्सो यू नो एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए 1 यहां है 1 यहां है 2 यहां है 2 यहां है 3 यहां है 3 यहां है बट 4 यहां है 4 यहां नहीं. दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ ये बात क्लियर है ठीक है. 1 1 2 2 3 3 4. एक बात और अगर मेरा 3 ऐसे लिखा है दैट इज अ एलिमेंट. अगर मेरा 3 ऐसे लिखा है दैट इज अ एलिमेंट. अगर मेरा 3 ऐसे लिखा है तो ये मेरा क्या है सबसेट है. मींस जो ओपन होगा वो क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को. जो इधर ब्रैकेट की फॉर्म में होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सेट को. तो याद रखना ये मेरा एक एलिमेंट है ये मेरा एक सेट है ये मेरा एक एलिमेंट है ये मेरा एक सेट है. तो इसी के बाद अब किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे उसको डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला आया था. लिख लीजिए द टोटल नंबर ऑफ सबसेट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स containing n elements is given by the formula 2 to power n is given by the formula 2 to power n means 2 to power n. That means simple सी बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर set A दे रखा है इसके total कितने subset बनेंगे means 2 की power 3 because यहाँ पर n equal to कितना है 3 where n is a total number of elements present in the set. Where n is the total number of elements present in a set. 2 की पावर 3 दैट इज a. दैट इज a. अब क्या हुआ इतना बढ़ने के बाद मुझे ये दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 मींस n इक्वल टू 5 मींस टोटल सबसेट ऑफ a 2 की पावर 5 दैट इज 32. बात क्लियर है इतनी बात क्लियर है. जब इतनी बात क्लियर है कि सबसेट क्या होता है बता दिया मैंने. अब टोटल नंबर सबसेट कैसे फाइंड करते हैं आपका मैंने ये क्लियर कर दिया. अब मैं इसके बाद एक बार और क्लियर कर दूं जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर. हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने वाली बात है मीन अब यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो नंबर सिस्टम में आप लोगों का मैंने पढ़ाया था इसी के बिहाफ में बात क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे किसी चीज की पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर p अपॉन 4 की फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में पता है 2 भी रैशनल नंबर है प्लस 2 अपॉन 1 3 भी रैशनल नंबर है 3 अपॉन 1 इंटीजर फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज 0 ठीक है. तो मीन रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर सिस्टम ठीक है पता था. इरेशनल नंबर वो किसी का पार्ट नहीं होता है नहीं वो रैशनल का पार्ट होगा नहीं वो नेचुरल का पार्ट होगा नहीं वो होल का पार्ट होगा नहीं वो इंटीजर का पार्ट होगा. मींस नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उतनी थ्योरी स्टडी करने के बाद एक बात तो यहाँ पर क्लियर थी कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर.
नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, बात क्लियर है ना। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, दैट मींस नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। दैट मींस कहीं ना कहीं डायरेक्टली बात करूंगा इनडायरेक्टली, ये वाला टर्म मेरा इससे भी लिंक्ड है, ये वाला टर्म मेरा इससे भी लिंक्ड है, ये वाला टर्म मेरा इससे भी लिंक्ड है, सेम में ये इससे भी लिंक्ड है, ये इससे भी लिंक्ड है। दैट मींस होल नंबर इज अ सेट ऑफ इंटीजर ट्रू, होल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर ट्रू, होल नंबर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर ट्रू, और कहीं ना कहीं ये वाला आपका इससे भी लिंक्ड है। इतनी बात क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर रखने के बाद एक बार और, अगर मैं जो इरेशनल नंबर सेट का था वो टी से रिप्रेजेंट किया था, मीन यहाँ पर नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी, टी मीन्स इंटीजर, सॉरी टी मीन्स इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नहीं आते। ये कहानी किसकी थी? आपका सबसेट की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है एक बार और, इतना बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर। एक बार और इसके बाद क्या आता है, आपका आता है डिफाइन सबसेट और फाइन टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट डिफाइन करना होता है, उसको मैं पावर सेट भी कहता हूँ, उसको मैं पावर सेट भी कहता हूँ। अब हम कैसे सबसेट फाइन करते हैं आपको ये बता चला हूँ, एक बार और क्लियर कर दे रहा यहाँ पर कि फाइव मीन्स नल सेट, फाइव इज नल, दैट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो याद रखना इसको, यहां पर लिख दे रहा हूं फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बात क्लियर है।